अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चॉकलेट पाउंड केक, एगलेस चॉकलेट पाउंड केक, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप शुगर, 2 or 3 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स, जितनी डालें खैर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और 1 कप है मैदा और कोको पाउडर मिक्स है इसमें, 1/2 टीस्पून है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून है बेकिंग सोडा, दही है 1/2 कप मेरे पास, और 2 टेबलस्पून ऑयल है, वनीला एसेंस और लाइम एसेंस है मेरे पास, ये सब चीज़ें हैं। अभी मैंने शुगर ली है। अच्छा, शुगर जो है इसमें आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, और बारीक चीनी आप घर में पीस लें वो ले लें। ये थोड़ी सी मोटी सी चीनी थी मेरे पास, वो मैंने ले ली है। ऑयल डाल के इसको हमने अच्छी तरीके से बीट करना है कि शुगर जो है वो ऑयल के साथ डिज़ोल्व हो जाए। बस इतना बीट करेंगे हम इसमें, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चुटकी नमक डाल के मैंने एक तरफ छान के रख दिया उसको। इसमें दही भी ऐड कर दिया मैंने। बहुत इजी और क्विक बनने वाला केक है ये। एगलेस जिन्हें एग पसंद नहीं है, जो अंडा खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है। इसमें मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है और लाइम एसेंस। अच्छा, मुझसे मिस्टेक हुई थी कि थोड़ा सा बॉटल से ज़्यादा गिर गया, तो आप जो है बिल्कुल 1 ड्रॉप डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। इसमें तो खैर ज़्यादा डल गया, बट टेस्ट वाइज अच्छा था, लेकिन यह है कि बस आप डालिएगा 1 ड्रॉप ही, ज़्यादा मत डालिएगा। इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और अच्छी तरह हल्के हाथ से हमें मिक्स करते जाना है कि हमारी शुगर जो है बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही हमारी शुगर डिज़ोल्व हो जाती है, हम इसमें मैदे, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा, ये जो मिक्सचर हमारा हमने छान के रखा था, ये 1/2 करके हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। ये अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये येलो कलर की वजह से थोड़ा सा इसका ये कलर का इफेक्ट हो गया, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ब्राउन होना था, लेकिन बेक होने के बाद वो खैर ब्राउन हो जाएगा। इसमें आप चॉकलेट चिप्स भी डाल लीजिए, इसको बेक कर लीजिए। 15 to 35 मिनट्स मतलब लगते हैं इसको बेक होने में। प्री हीटेड ओवन में बेक कर लीजिए। ये देखिए, मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है। बेहतरीन सा हमारा एगलेस चॉकलेट केक तैयार है। सॉफ्टनेस चेक कीजिए इसकी, कितना सॉफ्ट है ये। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़े का बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। चॉकलेट चिप्स चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, मैंने बीच में ही डाल दी थी सारी, ऊपर से नहीं डाली। मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना सॉफ्ट है ये, बिल्कुल आराम से। इसको ये है कि ठंडा करके पहले इसको फ्रिज में रख दीजिएगा सेट करने के लिए, ठंडा हो जाए फिर खाइएगा इसको। गर्म गर्म में ये वो इतना मज़े का नहीं लगेगा। आप इसको ठंडा कर लेंगे, चॉकलेट वगैरह सब अपनी जगह सेट हो जाएगी, तो फिर ये मज़े का लगेगा, फिर इसको खाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बनाइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।